सुजुकी गिक्सर एसएफ के महल जानने से पहले उसके प्रो और कॉन्स जान लेते हैं, ठीक है? उसकी क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, पहले जान लेते हैं। ये अपने सेगमेंट की एक बहुत ही अच्छी देखने में लगने वाली बाइक है, बेस्ट लुकिंग बाइक है, ठीक है? जो कि आप सामने देखते होंगे आपको अट्रैक्ट कर लेती होगी, अट्रैक्टिव बाइक है, ठीक है? तो बेस्ट लुकिंग बाइक है ये, इसकी एक प्रो है। दूसरी प्रो है कि ये बहुत अच्छा पावर डिलीवरी है इसका, जब आप चलाते हैं, जब आप पिकअप में लेना चाहते हैं, इसका पावर डिलीवरी बहुत अच्छा है, वेरी गुड पावर डिलीवरी, और अच्छी स्पीड पर आपको कंफर्ट राइडिंग देगा। तीसरी बात ये है कि चूंकि इसमें कार्बोरेटर होता है, ये आपको ठंडे के मौसम में, ज़्यादा कोल्ड मॉर्निंग में भी स्टार्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है, आसानी से स्टार्ट होती है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करती है ठंड के मौसम में। आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं, दार्जिलिंग में रहते हैं, गैंगटोक में रहते हैं, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी स्टार्ट करने में गाड़ी को। अगर राइडिंग पोजीशन की बात करें तो सीट साइज़ वाइज, राइडिंग पोजीशन वाइज ये बहुत ही कंफर्टेबल है, आपको लॉन्ग राइड्स के लिए भी ये बहुत अच्छी बाइक है। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा झुके रहते हैं गाड़ी के ऊपर, आप सीधा बैठे रहते हैं, ठीक है? तो लॉन्ग राइड्स के लिए भी इसका सीट पोजीशन, सीट साइज़ बहुत अच्छा है। पाँचवीं बात यह है कि एग्रेसिव राइडिंग के लिए भी बहुत अच्छी है, जैसे यामाहा RN5 CVR होंडा का है, ठीक है? तो उसी की तरह एग्रेसिव राइडिंग के लिए भी बहुत अच्छी बाइक है, लेकिन एग्रेसिव राइडिंग लोकल रोड्स में सेफ नहीं होता है। अब कॉन्स की बात करें तो सिर्फ एक ही कॉन्स है कि इसकी हेडलाइट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है? तो हेडलाइट्स जो है, आपको हाईवेज में, आपको हाई बीम के सामने आपको हेडलाइट्स थोड़ी लगेगी कि थोड़ी कम है, मुझे थोड़ा इसको बढ़ाना चाहिए, तो हेडलाइट्स आप एडिशनल लगा सकते हैं, लेकिन सोलो राइड्स के लिए, जब लॉन्ग राइड्स पे आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आप लोकल में चला रहे हैं तो हेडलाइट्स आपको पता नहीं चलेगा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन हाई बीम्स जब कार सामने आएंगी, जब ट्रक सामने आएंगे, आपको लॉन्ग राइड्स सोलो राइड्स पे, तो आपको दिक्कत थोड़ा सा महसूस होता है, ऐसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और चिंता करने वाली बात नहीं है अगर आप अभी लेने वाले हैं गाड़ी तो, क्योंकि 2018 के बाद वाली जो भी गाड़ी 2018 से आ रही है, सुजुकी गिक्सर की एसएफ, तो उसकी हेडलाइट्स क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है, और अब हेडलाइट्स की क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है। तो अब माइलेज की बात करते हैं, तो 12 लीटर के इसका फ्यूल का टंकी है, ठीक है? और आपको जो है मिनिमम माइलेज 40 से 42 के आसपास देता है, और हाईवेज पे 45 to 47 आपको मिलता है, ठीक है? तो मैक्सिमम माइलेज हाईवेज पे ही मिलता है, और मिनिमम माइलेज लोकल में मिलता है, जो सभी जानते हैं, ठीक है? तो माइलेज ऐसे वेरी करता है आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, कि आप कैसे ड्राइविंग कर रहे हैं गाड़ी को, ठीक है? रफ ड्राइविंग कर रहे हैं तो कम माइलेज मिलेगा, ऑब्वियसली अगर स्मार्ट ड्राइविंग कर रहे हैं तो बेस्ट माइलेज मिलेगा। एक बात इस पर और ध्यान दीजिएगा कि माइलेज हमेशा आपके राइडिंग स्टाइल पे डिपेंड करता है, और आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस पे, ठीक है? तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं सुजुकी गिक्सर के, जो 50 का माइलेज भी उठा रहे हैं, लोकल में वो 45 से 48 तक माइलेज उठा रहे हैं, अपनी सुजुकी गिक्सर से ले रहे हैं माइलेज। तो माइलेज आपके राइडिंग स्टाइल पे ही डिपेंड करता है ज़्यादातर, और आपकी गाड़ी की सर्विस पे, आप कितनी अच्छी गाड़ी को सर्विस और मेंटेन रखते हैं। तो गुड माइलेज के लिए, अच्छी माइलेज के लिए स्मार्ट और रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग कीजिए। तो अब आते हैं कस्टमर रिव्यू पे। सुजुकी गिक्सर एसएफ, जिसके पास भी बाइक है इसकी सीरीज की, वो अपने बाइक से काफ़ी खुश हैं, उनका रेटिंग काफ़ी अच्छा, अगर 5 में अगर उनके से रेटिंग लिया जाए तो 4.5 रेटिंग मैक्सिमम लोगों का आ रहा है, ठीक है? बहुत लोगों का 5.5 रेटिंग आ रहा है, और एवरेज जो है 4.5 रेटिंग आ रहा है, आप किसी भी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ही लवेबल बाइक है बाइकर्स के लिए, जो सुजुकी एसएफ जिनके पास है अभी। इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि ये बाइक 80 की स्पीड में, 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में, ठीक है, ये बाइक मिनिमम वाइब्रेशन करती है, या फिर समझिए नहीं करती है, ठीक है? तो उससे क्या होता है, आपको राइडिंग में काफ़ी आराम मिलता है, आपको लॉन्ग राइड्स पे जब वाइब्रेशन नहीं होता है तो बॉडी ज़्यादा थकती नहीं है, जब बाइक में कम वाइब्रेशन होता है, तो लॉन्ग राइड्स के लिए ये बाइक बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका वाइब्रेशन लेवल बहुत कम है। तो अब जो भी पर्सन इस बाइक को लेना चाहते हैं, वो ABS वाली वर्जन को लें, क्योंकि आने वाले समय में वैसे तो 150 cc के ऊपर की सारी बाइक में ABS कंपलसरी होने वाला है, लेकिन वो हो ना हो उससे मतलब नहीं है, ABS वाली बाइक्स आपके लिए, आपके राइडिंग के लिए बहुत ही सेफ है, आपको वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, इसलिए आपको ABS वाली गाड़ी लेना चाहिए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं, 5000 6000 के आसपास आपको ज़्यादा रुपए लगेंगे, ठीक है, ABS वाली बाइक लेने में, तो ABS वाली ही बाइक लें, ये आपके लिए ज़्यादा सेफर होगी। थैंक यू, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई है वो
तो डिसलाइक कीजिएगा, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा।